टिड्डियों के दल ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। जगह जगह टिड्डी दलों का अटैक देखने को मिला है। टिड्डियों का एक बड़ा समूह लगातार हमला बोल रहा है, जिसके साथ एक बार फिर किसानों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन के सुझाव पर लोग और किसान नगाड़े और थालियों की आवाज से टिड्डियों को भगाने में जुटे हुए हैं। तो छह ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि टिड्डियों का आतंक किस तरह से इन तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है और इन तमाम इलाकों में लोगों की परेशानियां, किसानों की जो मुश्किलें हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो चाहे वो कानपुर देहात हो, बस्ती हो, अंबेडकर नगर हो, कुशीनगर हो, जालौन हो या फिर ग्रेटर नोएडा, कमोबेश हर जगह एक जैसी ही तस्वीर बनी हुई है। और संत कबीर नगर से नीरज त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो नीरज, क्या टिड्डियों का दल वहां पर अटैक कर रहा है और कैसे कर रहा है, मुश्किलें वहां पर लोगों की कैसे हैं और बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम अभी? देखिए, जो आसमानी आफत है वो संत कबीर नगर पर बरसी है कि टिड्डियों का एक जो दल है, बहुत बड़ा दल है, वो उसने किसानों की खेत को अपना निशाना बनाया है और बहुत बड़ी संख्या में जो जिले में टिड्डियों का दल है वो खेतों को अपना निशाना बना रहा है। निश्चित तौर पे जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आफत है। हालांकि प्रशासन ने जो है इसके लिए अलर्ट जारी कर रखा है, एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि जहां कहीं टिड्डियों का दल दिखाई पड़े, किसान जो है उसके बारे में सूचित करे और आवाज करके थाली पीटते हुए, शंख बजाते हुए या आग जला करके उनको भगा सकते हैं। साथ ही साथ जो कृषि विभाग है उसको सूचित करे, ताकि जो कृषि विभाग की अपनी तैयारी है वो उन इलाकों में जाकर के खेतों में दवाओं का छिड़काव कर सके। और प्रशासन जो है लगातार जो है जो प्रभावित इलाके हैं, जो गांव है, वहां पर उसका दवाइयों का छिड़काव भी जारी कर रखा है। बने रहेगा आप नीरज हमारे साथ। अकरम खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अकरम, वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह के इंतजाम टिड्डियों के इस दल से छुटकारा पाने के लिए? देखिए ऋतु, अगर टिड्डियों के दल से छुटकारा पाने के लिए बात की जाए तो कल जैसे ही ये खबर मिली थी कि जो ग्रेटर नोएडा का जेवर इलाका है वो हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है, और कल जब फरीदाबाद में ये टिड्डियों का दल देखा गया था उसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है जो कि आपदा राहत कमेटी है, जिसमें CDO की अध्यक्षता में ग्राम स्तर तक के लोग जोड़े गए हैं, प्रधान हो, VDO हो, चाहे और भी जो ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर तक के अधिकारी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने चूंकि पहले ही टिड्डी के दल पहुंचने की आशंका थी, इसको लेकर पूरी तैयारी कर रखी थी और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किसानों को पूरी तरह से जागरूक किया गया था। लेकिन जिस तरह से कल लगभग 2 बजे के बाद जो हरियाणा के सटे हुए ग्रेटर नोएडा के गांव हैं, जैसे जेवर है, दनकौर है, झुप्पा है, ये तमाम इलाकों में कल टिड्डियों का दल पहुंच गया था, जिसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप और जिला प्रशासन के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया था। इसी के तहत कल किसानों ने थाली और ध्वनि यंत्र बजाकर टिड्डियों को उड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि कुछ फसलों को नुकसान भी पहुंचाया गया था, लेकिन समय रहते किसान अपने खेतों में पहुंच गए थे और ध्वनि यंत्रों के माध्यम से टिड्डियों के दल को भगा दिया गया था। लगभग 1 घंटे करीब तक ग्रेटर नोएडा में टिड्डियों का दल देखा गया था, जिसके बाद वो बुलंदशहर के दूसरे इलाके, बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, चूंकि हवा का जो रुख था वो इधर दूसरे जिलों की तरफ था और ये जो टिड्डियों का दल है वो हवा की रुख की तरफ को चलता है, इसीलिए ये टिड्डी का दल बुलंदशहर, अलीगढ़ इधर की तरफ रवाना हो गया था। 1 घंटे करीब यहाँ ग्रेटर नोएडा में देखा गया था। हालांकि जो जिला प्रशासन की टीम है वो दनकौर इलाके में पहुंची थी DM के आदेश के बाद और किसानों से बात की थी। दनकौर हो, जेवर हो, इन इलाकों में देखिए अभी कल कुछ टिड्डियों का दल यहाँ पर देखा गया था जो यहाँ से रवाना हो गया, लेकिन जिला प्रशासन ने सभी किसानों को अलर्ट किया है और अब ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कुछ जो टिड्डियों का दल है जो बड़ी संख्या में, क्योंकि कल बहुत कम संख्या में टिड्डियों का दल पहुंचा था लेकिन यहाँ पर काफी देर तक रुका था, अब ये अंदेशा जताया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार किसानों से कह रहा है कि जो हरियाणा के दूसरे शहर है उनसे टिड्डियों का दल बड़ी संख्या में आ सकता है, इसलिए किसान पूरी तरह से अलर्ट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि DM ने इसको एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें भूमि संरक्षण अधिकारी भी हैं, BDO भी हैं, इसके अलावा CDO की अध्यक्षता में यहाँ पर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें भूमि संरक्षण से जुड़े अधिकारी हैं। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को देखने वाले डिप्टी डायरेक्टर जो कृषि है वो भी यहाँ कंट्रोल रूम में मौजूद है और लगातार व्हाट्सएप ग्रुप और जिला प्रशासन के माध्यम से किसानों को बताया जा रहा है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो सीधे कंट्रोल रूम से मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा कीटनाशक दवा छिड़कने के लिए भी बिल्कुल, यानी कि ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, क्या
वहां पर भी इसी तरह के इंतजाम की टीमें बनाई जा रही है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है टाइम टाइम पर व्हाट्सएप के जरिए, जैसा कि अक्रम हमें बता रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए जानकारी वक्त वक्त पर दी जा रही है। क्या इसी तरह का जो इंतजाम है वहां पर भी है? देखिए आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पहले से ही टिड्डियों के को लेकर के जो है अलर्ट जारी कर रखा था, तो संत कबीरनगर के प्रशासन ने भी इसको लेकर एक मार्क ड्रिल किया था एक गांव में, और जो है अपनी तैयारियां पुख्ता रखी थी उन्होंने। अग्निशमन विभाग की जो जो मशीनें हैं जो उसमें जो है दवाइयों का पूरा इंतजाम कर रखा था, साथ साथ ग्राम स्तर पे जो है प्रधानों को सूचित किया गया था और ये जानकारी दी गई थी कि जहां कहीं भी अगर टिड्डियों के दल की सूचना मिले तो वो उसकी सूचना प्रधान जो है वो ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला कृषि अधिकारी के नंबर दिए गए थे उनको दिया जाए, उनकी सूचना दिया जाए ताकि मौके पर जो है टिड्डियों को भगाया जा सके, दवा का छिड़काव किया जा सके। तो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां जरूर कर रखी। हालांकि जो कल अचानक जो है जो टिड्डियों का अचानक हमला हुआ है उसमें उसकी तैयारियां जो है वो उतनी तेजी से नहीं दिखाई दी। किसानों ने अपने खुद के जरिए थाली पीट के आग जला करके ही उनको भगाया, लेकिन आज जो है वो गांव जिले के कई गांव में जो है वो दवा का छिड़काव किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में जो टिड्डियां हैं उनको भगाया जा रहा है। चलिए चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।